Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, आपको पता होगा कि आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव की सीट खाली हुई थी और वहां पर अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी सुपरहिट स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा है। लेकिन ये लड़ाई त्रिकोणीय बताई जा रही है और वजह यह है कि वहां पर मुस्लिम यादव समीकरण में मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने के लिए गुड्डू जमाली को बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उतार दिया गया, यानी कि समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी से, तो गुड्डू जमाली जो कि बीएसपी से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। लेकिन जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव के लिए लगातार जो मुस्लिम विधायक हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, वो एकदम खून पसीना धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए लगा दिए हैं। कल आपको पता होगा कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे, तो वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और भतीजे मनु अंसारी भी लगातार धर्मेंद्र यादव के लिए जी जान लगाकर परिश्रम कर उन्हें लोकसभा जिताकर भेजने की तैयारी में करे हैं और लगातार रोड शो के साथ बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच गुड्डू जमाली जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर अब्बास अंसारी ने एक ऐसी बात कह दी है जिसकी चर्चा पूरा का पूरा राजनीति सियासत में होने लगी है। दरअसल बात करें तो गुड्डू जमाली पहले AIMIM के विधानसभा टिकट पर चुनाव लड़े थे और उनको बुरी तरीके से वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार मायावती में शामिल हो गए और मायावती ने उन्हें आजमगढ़ से टिकट दे दिया। इस पर जब सवाल पूछा गया अब्बास अंसारी, तो उन्होंने कहा कि जो गुड्डू जमाली चचा हैं वो एक अच्छे इंसान है, बेकार नहीं है, लेकिन जिसके साथ वो जुड़े हैं, यानी कि हाथी के साथ जुड़े हैं, वो हाथी जो है वो अब बिदक गई है। यानी कि बिदकने का मतलब होता है कि बैठ जाना, और वो जो बैठ गई है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है और यही फायदा गुड्डू जमाली चाचा उसको दिला रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से हाथी बिदकने की बात कही है, उसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इसी बिदकी हुई हाथी पर मुख्तार अंसारी जो है बैठकर पूरा मऊ घुमा करते थे, और जब इस बार उनको मायावती ने टिकट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी के लाइन से टिकट लड़े, तो आज जो है हाथी बिदक गई। इस तरीके से तमाम लोग सोशल मीडिया पर आपको पता होगा कि प्रतिक्रियाएं देते हैं, लेकिन आपके इस पर क्या विचार है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.